नीचे देखा तो बरसात हो रही है और एक स्नेक रेस्क्यू का कॉल आप देख सकते हैं कौन सा स्नेक है। कल बेबी स्नेक है, देखिए बहुत एग्रेसिव हो चुका है, काटने के लिए तैयार है, देख सकते हैं। देखिए जो बीन में रहता है ना, बीन ये बीन नहीं होता है। देख रोड के किनारे हम जाम कर चुके हैं गाड़ी को, अपने जाते में देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों बहुत से छोटे हैं, बस लगते हैं एक दो सप्ताह से अंडे से निकला हुआ बच्चा है, देख सकते हैं। तो यार होगा तो मैं हूँ, हाँ होगा एक आस्ते बोला है, हाँ हम देखें चीज़ है यार, वो चीज़ हम लोग छोटे देखते हैं, देखिए यहाँ मतलब हमारे बहुत हैं हाँ, एक लोकेशन का तो स्पिटिकल कोबरा जो कि यहाँ के इसको नाजा राजा ही कह सकते हैं, और ये बोला जाता है कि बीन के धूल पे नाचता है। देखो मेरा भी धूल पे नाच रहा है, मेरा बोली से नाच रहा है, देखना ये जो नाच रहा है ना, मेरा बोली से नाच रहा है, हम बोल रहे हैं गाना सुना रहे हैं नाच रहा है। अक्सर होता है कि सबको बोल देता है कि बीन के धूल से नाचता आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास बीन नहीं है फिर भी ये स्नेक नाच रहा, क्यों? क्योंकि हम इस चीज को, इस थैला को हम हिला रहे हैं इसलिए नाच रहा है। ये जो रहता है ये स्नेक डरपोक में होता है, माना जाता है कि इसके सामने अगर पत्ता भी हिल जाए, किसी पेड़ पर बैठा हुआ तो पत्ता को भी काट लेता है। इस तरह ये इसका नेचर, इसको काटना ही नेचर है, बहुत एग्रेसिव हो चुका है। देख लीजिए अपना जगह से हिलिए मत, अपना जगह से हिलिए मत, कोई किसी को नहीं हिला, अपना जगह खड़ा रहिए, जहाँ जहाँ खड़ा रहना, हिलना नहीं है। देखिए ये इन दो सप्ताह के बच्चा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत प्यारा सांप का, देख सकते हैं बस इसे जहर से बचना होता है। देखिए अब ये पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुका है। अंजना घर घुसो है मोटा हाल ये तो है।
देखिए दोस्तों, इसे रेस्क्यू कर चुके हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से इसे जंगल में छोड़ देंगे ताकि इसका परिवार जिंदा रह सके। देखिए काफी हाईली वेनम होता है इसका, देखिए न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसके नर्वस सिस्टम को डाउन कर सकता है इसका जहर। और इसके एक बूंद जहर जितने आपने हम लोग देख रहे हैं जितना भीड़ लगा हुआ है, एक बूंद जहर से सब कोई मर सकता है। देखिए इतना घातक जहर इसका होता है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो बने रहे। देखिए स्टिक पे किस तरह से बैलेंस बनाया हुआ है, काफी छोटा आइलैंड है, बैलेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव। देखिए दोस्तों बैलेंसिंग, इसका बैलेंसिंग देखिए छोटा सा है, लेकिन एक हुक पे किस तरह से बैलेंस कर रहा है। जैसे हम इसको हिला रहे हैं ये डर रहा है, और डरने से ये एक्टिव हो चुका है काटने के लिए, ये काटने को तैयार। इसी काम को मन कहते हैं, यही होता है। देखिए इसका फुफकार सुनिए, जिस तरह ये फुफकार रहा है शायद आप सभी को सुनाई दे। यही है स्पिटिकल कोबरा, जो कि इंग्लिश में हम साइंटिफिक नेम नाजा इसी को कहते हैं। अगर ये काट ले तो बस डॉक्टर घर जाइए और नाजा बोलिए, या तो गोमन, कुछ भी नाम इसका जो आपको याद हो बताइए, सांप की पहचान करवाइए तो आपकी इलाज तुरंत हो सकती है। देखिए इनके नाम बोलने से आपको सही इलाज होगी। अब देख सकते हैं काफ़ी सांपों में से खतरनाक भी और प्यारा भी, बहुत एग्रेसिव हो चुका है और कर भी रहा है, ताकि आप सभी को दिखाई दे कितना छोटा और प्यारा है जहर को साइड में रखते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये इधर से इधर डोल रहा है, ये मेरे इस थैले को हिलाने के वजह से हो रहा है। अक्सर होता है कि सपेरे लोग आता है, बीन बजाता है और बीन को हिलाता है, लेकिन अक्सर समझते हैं कि बीन के हिलाने से सांप, बीन के बजाने से सांप नाच रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए ये फुफकार मारते जा रहा है, देखिए चलिए दोस्तों इसे हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और इसे जल्द से जल्द हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। जंगल दिखाइए किस तरह जंगल है,
सांप के साथ जंगल की दीदार करवाइए सबको। जीवड़े को इधर कुछ चलिए दोस्तों, अब इसे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और इसे हम जंगल में छोड़ देंगे। देखिए मेरे, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें, और आप जानकार बनिए सांपों में और लोगों को भी जानकार बनाए ताकि आप सुरक्षित हो जाएं और घर वाला भी सुरक्षित कर सके। देखिए चलिए अब इसे जल्द से जल्द छोड़ देंगे। आइए आइए, थोड़ा सामने आइए, दिखाइए सबको। इसे हम रिलीज कर रहे हैं, इस जगह देख सकते हैं, यहाँ रिलीज कर रहे हैं इसको। ये चल जाएगा अपने पर्यावरण में।